Welcome you all in today's mastermind session. The basic education which is at the school is necessary part of our life, but that may not be the sufficient part of our life. किड्स और पेरेंट्स के बीच में जितनी फाइटिंग होती है, जिद होती है, एंगर यानी गुस्सा होता है, वो सारा इसी बात पे चलता है, इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट पे। एवरी चाइल्ड हु गेट बर्थ ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। आलम केयर इंस्टीट्यूट के अंदर 300 बच्चे थे जब मैं पढ़ा था, 3000 बच्चे थे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और 3 लाख बच्चे इस साल पढ़े जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो 300 से 3 लाख की जर्नी देखी है। एलन का एक ही फॉर्मूला हम एकेडमी पे बेस्ट वर्क करते हैं। लेकिन ये जो सेशन था मेरी लाइफ में मिसिंग था। मैं ये फील करता हूँ कि एलन ज्वाइन करने के बाद मेरा बेटा से फ्रेंड्स में। मन में फियर ये है कि क्या हमारे बच्चे मेंटली इतने स्ट्रांग हो पाएंगे कि सर 9th में 8th में ये लोड झेल पाएंगे। बच्चे के सामने कभी भी पेरेंट्स को टीचर नहीं बनना चाहिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स ही रहना चाहिए। जहाँ भी अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं जिस सिस्टम के साथ है, आप इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहे तो आप एलन के प्लेटफॉर्म पर आवे, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैथ, साइंस और मैथ और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सामूहिक की मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? सर मुझे एक एस्ट्रोनॉट बनना है, तो आप बता सकते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए किस तरीके की साइकोलॉजी रखनी पड़ती है, किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ती है? मैं जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कहीं भी जब आपको लगता है कि आपका बच्चा उनकी एज ग्रुप के बच्चों से कुछ विशेष कर सकता है या आपको उनकी विशेष तालीम करानी है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड द डिफरेंट कोच गुरुज आउटसाइड द स्कूल कैंपस।